स्वागत है दोस्तों आपका केपी कंप्यूटर्स में। तो आज बेसिक कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस का डेट तीसरा दिन है, तो आज इसकी सीरीज देखते हैं। तो नंबर चालू करते हैं। विंडोज़ क्या है? तो विंडोज़ एक सॉफ्टवेयर का प्रकार है, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो इसको कर देंगे। कंप्यूटर का मस्तिष्क, अरे सीपीयू हो जाएगा इसका, बहुत सिंपल क्वेश्चन। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? अरे यही चीज़ है, डी नंबर हो जाएगा, बहुत इजी। प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो जो ये प्रिंटर होता है किस प्रकार का डिवाइस है? तो ये मतलब आपको आउटपुट देता है, तो ये आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रौद्योगिकी शब्दावली का भाग नहीं है? तो ये आपका हो गया प्रोटोकॉल। इसके बाद कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता? अच्छा मतलब कंप्यूटर कौन सा काम नहीं कर सकता, तो ये अंडरस्टैंडिंग, ये सब इमोशनल हो जाएगा सीन। कंप्यूटर में नहीं है तो ये सी नंबर हो जाएगा। अनेक घरेलू उपकरण में प्रयोग माइक्रो कंप्यूटर प्रयोग होता है, तो बी नंबर हो जाएगा। माइक्रो कंप्यूटर का मतलब बहुत छोटे छोटे मतलब, तो ये हो जाएगा बी नंबर इसका। उस यंत्र को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइन प्रदर्शित करता है? तो ये हो गया आपका मॉडेम हो जाएगा। फिर इसके बाद कंप्यूटर को रजिस्टर करने का क्या कहता है, मतलब अच्छा मतलब रीसेट जो मारते हैं तो उसको हम कहते क्या हैं? रिबूट, रिबूट मार देते हैं तुरंत। गणना और तुलना, तो जो कंप्यूटर में जो गणनाएं होती हैं तो ये सब होती है, इसका काम होता है, एलयू का काम होता है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग, फिर से वही सीपीयू हो जाएगा आपका, सीपीयू सबसे मेन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बंधारण क्षमता नहीं है? अच्छा मतलब ये कीबोर्ड में कोई भी स्टोर करने की वो नहीं रहती है। कंप्यूटर को संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ, अच्छा कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ये आपका हो जाएगा कंप्यूटर प्रोग्राम, बी नंबर हो जाएगा। 1024 बाइट बराबर क्या होता है? तो ये होगा आपका एक किलो कहाँ गया, 1 किलोबाइट। कंप्यूटर को प्रयोग होने वाली भाषा मशीनरी भाषा, कंप्यूटर में जो प्रयोग होती है वो आपकी मशीनरी भाषा प्रयोग होती है। कंप्यूटर के अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होती है? जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग होती है वो ज़्यादातर सीपीयू के अंदर होती है। सीपीयू में सबसे तेज कौन सा भाग होता है? सीपीयू के अंदर जो सबसे तेज भाग कौन सा होता है? तो ये आपका हो जाएगा, ये रजिस्टर हो जाएगा आपका फोर्थ नंबर, डी नंबर। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द क्या है? जो ये सॉफ्टवेयर है इसके लिए एक शब्द, ये हो गया आपका बी नंबर। डी टी पी का फुल फॉर्म क्या हो गया इसका? ये आपका हो जाएगा बी नंबर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। 10 लाख बाइट लगभग कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? तो ये आपका हो जाएगा डी नंबर, 9, लगभग 9.7656625 MB के बराबर ये आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद एलईडी का पूरा नाम, अच्छा एलईडी का लिक्विड करके होता है, लिक्विड ये हो जाएगा बी नंबर। बस क्वेश्चन की सीरीज़ यहीं से ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।